गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मॉडल्स। ओके स्टूडेंट, मॉडल्स में हमने विल का यूज़ हमारा जो चल रहा था, और विल में हमने किया था कि किस प्रकार से विल का यूज़ इन फ्यूचर टेंस में, विल का यूज इन फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही सी इट, उनके साथ विल का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ही सी इट और उनके साथ इन फ्यूचर टेंस में किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। अगर बात करें फर्स्ट पर्सन की, आई और वी, अगर बात करें आई और वी, ये को क्या होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, विलिंगनेस और थ्रीड, ये सब आए, और सर्टेनिटी और विश अगर दिया हो सेंटेंस में, तो इट मींस कि आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है। किसका यूज होगा, विल का यूज किया जाता है। कब, इन केस ऑफ, अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, दृढ़ निश्चय दिया हुआ है, विलिंगनेस दिया हुआ है, इच्छा दी हुई है और विश दिया हुआ है, ओके, और थ्रीट धमकी दी हुई है या फिर प्रोमिस वादा किया हुआ है, और सर्टेनिटी निश्चितता अगर दी हुई है, तो उनके साथ जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उनके साथ विल का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब करते हैं इसे, लेट्स स्टार्ट। और जो थर्ड पर्सन होते हैं इन फ्यूचर टेंस में, अगर थर्ड पर्सन ही सी इट दिए हुए हैं, तो उनके साथ विल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। ही सी इट, एनी सिंगुलर नेम, उनके साथ विल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन। विल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी। इन केस ऑफ treat, treat, determination, willingness, next promise, wish or certainty,
इट इज विल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी. अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया हुआ इन केस ऑफ थ्रीट डिटर्मिनेशन विलिंगनेस प्रोमिस विश और सर्टनिटी. अगर दिया होगा स्टूडेंट तो किसका यूज होगा विल का यूज होगा. किनके साथ आई और वी के साथ. आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर. अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो आई और वी के साथ आई और वी के साथ किसका यूज होता है सेल का यूज होता है. किसमें इन फ्यूचर टेंस. आई और वी के साथ अगर इन फ्यूचर टेंस की बात करें स्टूडेंट तो सेल का यूज किया जाता है. और इन केस ऑफ थ्रीट डिटर्मिनेशन विलिंगनेस प्रोमिस विश और सर्टेनिटी की बात की जाए तो आई और वी के साथ जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है. किसका यूज किया जाएगा विल का यूज किया जाएगा. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. I will please you if you do not follow the rule. I will please you if you do not follow the rule. इसमें in this sentence क्या शो हो रहा है स्टूडेंट थ्रीट धमकी दी जा रही है. ओके कि आई विल पनिस यू इफ यू डू नॉट फॉलो द रूल. तो इसमें क्या है थ्रीट शो हो रहा है. वी विल फाइट to the last. We will fight to the last कि हम अंत तक लड़ेंगे. तो इसमें क्या है एक दृढ़ निश्चय शो हो रहा है जो कि determination है. Next I will go to temple. I will go to temple. ये क्या है ये willingness है इच्छा है. willingness. I will go to temple. इसमें ये willingness हो रही है. Next I will give you a prize if you stand first. I will give you a prize if you stand first. यदि आप प्रथम आते हो तो मैं आपको प्राइज इनाम दूंगा. तो ये क्या है प्रोमिस. उसने वादा किया कि यदि आप प्रथम आते हो यदि आप पहले खड़े होते हो तो मैं आपको इनाम दूंगा. तो ये क्या है प्रोमिस. प्रोमिस. नेक्स्ट
विश, आई विल विजिट I will visit to my village. I will visit to my village with next I will visit to my village. मैं अपने गांव घूमने जाऊंगा. तो क्या है उसकी विश है, इच्छा है. ओके नेक्स्ट सर्टेनिटी. आई विल कम टू योर प्लेस एट एग्जैक्ट आई विल कम टू योर प्लेस एट एग्जैक्ट 8 PM. सर्टेनिटी. आई विल कम टू योर प्लेस 8 PM कि मैं आपके स्थान पर, आपकी जगह, आपके स्थान पर कितने बजे आ जाऊंगा, एग्जैक्ट 8 PM आ जाऊंगा. तो उसने क्या किया, सर्टेनिटी शो की है, निश्चितता शो की है. इज दैट क्लियर. तो ये अगर वाक्य में स्टूडेंट थ्रेट शो रहा है और अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, अगर वाक्य में विलिंगनेस शो हो रहा है, प्रोमिस शो हो रहा है, विश शो हो रहा है, सर्टेनिटी शो हो रहा है और फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया हुआ है, तो इनके साथ हम सेल का यूज नहीं करते हैं. किसका यूज करेंगे, विल का यूज करते हैं. ओके सेल का यूज तब होगा जब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. फ्यूचर टेंस में आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ सेल का यूज किया जाता है. बट अगर इन केस ऑफ थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस, विश और सर्टेनिटी दी हुई है तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे. ओके नेक्स्ट वुड. Wood is used. Wood is past. Wood is past of will. Wood is past of will. Wood का यूज करेंगे स्टूडेंट अब कि किस प्रकार से wood का यूज किया जाता है. तो सबसे पहले wood is past of will. Will का past क्या होता है, wood होता है. Will का past क्या होता है, wood होता है. Will का past wood होता है.
ही आस्क्ड मी। He asked me, sorry. He assured me that he would help me. He assured me that he would help me. उसने मुझे निश्चित किया कि he would help me, वह मेरी सहायता करेगा। तो would किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट? पास्ट के लिए। पास्ट बता रहा है ये। विल का जो पास्ट होगा वो होगा would। तो ही assured मी और assured दिया हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस का ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से में यूज की जाती है? सिंपल पास्ट टेंस में। यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है ओके तो यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है तो ये विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा पास्ट टेंस में ओके तो विल का पास्ट वुड हमने यूज किया। My father told me that he would be late that day. My father told me that he would be late that day. मेरे फादर ने मुझे बताया कि वह उस दिन लेट देरी हो जाएगी, उस दिन उनको देरी हो जाएगी। तो यहां पर टोल्ड का यूज हुआ। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ओके और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कौन से टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो इट मींस ये पास्ट टेंस है। और विल का पास्ट क्या होता है? वुड। तो हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। और यहां पर कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है और विल का पास्ट वुड होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट To express past habit. To express past habit. ये क्या शो करता है? Past habit भी शो करता है। Would क्या शो करता है स्टूडेंट? Past habit शो करता है। जैसे example as My grandfather would go to work. My grandfather would go to work. तो ये क्या स्टूडेंट शो कर रहे हैं? ये शो कर रहा है पास्ट हैबिट ओके क्या शो कर रहा है? ये पास्ट हैबिट शो कर रहा है। नेक्स्ट वुड का यूज कि मेरे दादाजी घूमने के लिए जाते थे तो पास्ट हैबिट उनकी जो पास्ट की हैबिट थी आदत थी हैबिट मींस आदत उनकी जो पास्ट की आदत थी वो शो की जा रही है इन दिस सेंटेंस कि माय ग्रैंडफादर वुड गो टू
फॉक कि मेरे दादाजी घूमने के लिए जाते थे। राम वुड प्ले विद टॉयज इन हिज चाइल्डहुड। राम वुड प्ले विद टॉयज इन हीज चाइल्डहुड। राम अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेलता था। तो ये क्या है, पास्ट हैबिट शो हो रही है। तो वुड क्या करता है स्टूडेंट, वुड पास्ट हैबिट भी शो करता है। जो आदत होती है, जो पास्ट में जो भूतकाल की जो आदत होती है उसको शो करता है वुड हैबिट को। हैबिट मीन्स आदत। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे एज Would you please give me your book? Would you please give me your book? तो इसमें polite request की जाती है और would का use किया जाता है। Would का use polite request के लिए किया जाता है। Would you please give me your book? Would you lend me some money? Would you lend me some money? तो ये जो sentence है student, इन दोनों sentence में polite request की जा रही है। Polite request means कि जो विनम्रता से विनती की जाती है उसके लिए हम would का use करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया करके क्या आप अपनी किताब मुझे देंगे। वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप कुछ पैसा आप मुझे उधार देंगे। तो इन दोनों ही सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट, use of can, he
हिंदी अर्थ जो होता है स्टूडेंट इसका, सकता या सकना। Can is used possibility 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 means संभावना। ये can क्या शो करता है, कैन इज शोइंग पॉसिबिलिटी, कैन संभावना व्यक्त करता है। और जैसे पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, एग्जाम्पल एनीबडी can solve this sum, can this news be true? Anybody can solve this sum? क्या कोई इस सम को, योग को हल कर सकता है? ये क्या है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। Can this new can this news be true? क्या यह समाचार या यह समाचार सच हो सकता है? तो इसमें ये दोनों ही सेंटेंस में क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ओके स्टूडेंट, क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। नेक्स्ट पावर और एबिलिटी। पावर और एबिलिटी, पावर मीन्स शक्ति, एबिलिटी मीन्स योग्यता। पावर मीन्स शक्ति और एबिलिटी मीन्स योग्यता। फर्स्ट यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये एबिलिटी शो कर रहे हैं, योग्यता शो कर, एबिलिटी। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन क्या कर रहा है, शो एबिलिटी शो कर रहा है, योग्यता शो कर रहा है। नेक्स्ट पावर, ओनली ओनली द प्रिंसिपल कैन ग्रांट फी कंसेशन, ओनली द प्रिंसिपल कैन ग्रांट फी कंसेशन, केवल प्रिंसिपल से ही फीस माफ कर सकते हैं। तो क्या उनके पास पावर, क्या उनके पास पावर, इस सेंटेंस में पावर पावर शो हो रही है और इसमें एबिलिटी शो हो रही है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट सेंटेंस में जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें एबिलिटी शो हो रही है, और ओनली द प्रिंसिपल कैन ग्रांट फी कंसेशन, इसमें